मुजफ्फरपुर में चल रही भीषण शीतलहर के बीच मक्के की फसलों पर फॉल आर्मी वर्म के हमले ने किसानों की मुश्किल बढ़ा दी है। जिले में मक्के के कई एकड़ फसलों पर इस कीट का असर दिख रहा है। फॉल आर्मी वर्म कीट के अटैक की जानकारी मिलने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र के प्रखंड कृषि वैज्ञानिक और प्रखंड कीट नियंत्रण पदाधिकारी से बात की। उसके बाद किसानों के लिए अलर्ट जारी किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी ने एक टीम बनाकर जांच और निदान का निर्देश दिया है। जिले के कृषि कर्मचारियों को इस बाबत पूरी तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले में इस बार करीब 1320 एकड़ में मक्के की खेती हुई है। मुजफ्फरपुर को मक्का की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर मक्के की फसल उगाई जाती है। इस बार भी बम्पर फसल उगाई गई है। जिले के 4 प्रखंड कटरा, गायघाट, मुरौल और बंद्रा में फॉल आर्मी किट का प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। वहीं मक्का किसान नीरज नयन बताते हैं कि उनके लिए मक्का ही प्रमुख नकदी फसल है, जिस पर अब फॉल आर्मी वर्म किट का अटैक हो गया है। इससे फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। किसान सरकार से मांग करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले की समस्या का जल्द उपाय किया जाए, वरना मक्के की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। मक्के की फसल की क्या हाल है? हाल ठीक नहीं है मक्के का फसल की। सीजन के वजह से तो फसल पहले से भी ठीक नहीं था। कीड़ा लग गया था, पत्ता उत्ता चाटता नहीं है, वैसे पत्ता का चाट गया था। स्प्रे हुआ था तब थोड़ा ठीक हुआ था। तेके बाद ठंडा है, पाला मार दिया। देख ही रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं मक्का का फसल का। नहीं है मानिए, ठीक कंडीशन में है। एक और किसान रुपेश कुमार ने बताया कि फॉल आर्मी वर्म कीट फसल को अंदर से काट दे रहा है, जिससे पौधा पीला होकर गिर जाता है। अगर यही हालत रही तो कीटों का हमला चारों ओर फैल जाएगा और पूरी की फसल खराब हो जाएगी। मक्का के फसल के बहुत बहुत ठंडा गिर रहा है, बस सफरे उफरे किया है, बस कीड़ा चाट उठ गया है। कोनो उम्मीद नहीं होने के। ठंडा से क्या फर्क पड़ रहा है? ठंडा बहुत गिर रहा है, बुझाता है नहीं होगा। कितना दूर में किया है मक्का का? मक्का के फसल 15 कट्ठा में। कितना उपज की संभावना है? थोड़ा बहुत होगा चाहे नहीं होगा। क्या नाम है? केदार पासवान। कहाँ घर में? जाता पछहरी टोल। कौन ब्लॉक? गायघाट ब्लॉक। क्या लग रहा है सर, वार्मी फाल करके मक्का किसान काफी परेशान है? नहीं, जिले में मक्का का खेती जो हो रही है उसको हम लोग दिखवा रहे हैं, किस तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह कारगर ढंग से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए सहायक ने से पौधा संरक्षण है और उनको निर्देश भी दिया गया है, और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पूर्वी पश्चिमी उनको भी निर्देश दिया गया है। और हम लोग इस बिंदु पर जो है इसकी जाँच भी करा रहे हैं और निश्चित रूप से जितना मदद हो सकता है उतना हम लोग मदद करेंगे किसान को। हाँ, निश्चित रूप से टीम बनाई, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में टीम बना हुआ है, सहायक ने से पौधा संरक्षण के अध्यक्षता में टीम बनाया गया है, दोनों कृषि विज्ञान केंद्र के हमारे मुख्य वैज्ञानिक उनको भी हम लोगों ने अलर्ट मोड में रखे हुआ है। हम लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। किस प्रकार से प्रभाव डालता है? कितने? नहीं, वो फसल का जो ग्रोथ होता है उसके वो जो तना होता है उसका जो वो बीच का जो पौधा होता है उसको वो खा जाता है, गला देता है। जब नीचे ही गल जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगा, तो ग्रोथ है तो फल नहीं लगेगा, दाना नहीं पड़ेगा। इस तरह का है, बहुत खतरनाक रोग है ये। और ये कीड़ा जो है वो काफ़ी प्रभाव डालता है, तो हमारे जिला में ऐसा कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर काफ़ी वॉच और वेट में हैं। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम, तो बनाइए अपने पार्टी व अन्य आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर फूड कोर्ट ग्रैंड मॉल, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।